उत्तराखंड में मॉनसून की दस्तक के साथ ही सड़कों पर मलबा आने और भूस्खलन का दौर भी शुरू हो गया था। मार्ग बाधित होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन अवरुद्ध मार्गों को खोलने के लिए जगह जगह जेसीबी मशीनों के साथ ही अन्य उपकरण भी तैनात किए गए हैं। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि कई राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग और ग्रामीण मार्ग अवरुद्ध हैं, जिनको प्रशासन की ओर से सुचारू करने की प्रक्रिया तेजी से की जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 1800 से अधिक सड़कें खोली जा चुकी हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि बरसात हो रही है। मेजर प्रॉब्लम हमारी सड़कों के बंद होने की है, तो जो भी सड़कें बंद हो रही हैं, हमारा प्रयास होता है कि हम उसको तत्काल खोलें। जहाँ जहाँ ज़्यादा लैंडस्लाइड की आने की संभावना होती है, जहाँ पर ज़्यादा रास्ता बंद होता है, वहाँ पर जेसीबी मशीनें और हमारे मैन पावर तैनात रहते हैं, गैंग तैनात रहती है, तत्काल खोलने की कार्रवाई करते हैं। और अभी तक हम लोग लगभग 1800 से अधिक सड़कें खोल चुके हैं जो बंद होती रहती हैं। वर्तमान में पूरे प्रदेश में बरसात हो रही है और हम लोग लगातार उसमें सजग हैं, हमारे अधिकारी सभी अलर्ट मोड में हैं। वहीं टिहरी जिले के तोली और तिनगढ़ गांव में आई आपदा को लेकर आपदा प्रबंधन सचिव ने कहा कि प्रभावितों को शासन की ओर से अनुमन्य राहत राशि दी जा रही है और क्षेत्र के सभी मकान खाली करा लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जैसे जिलाधिकारी की ओर से विस्थापन के लिए प्रस्ताव शासन को मिलेगा, उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उनका कहना है कि प्रदेश के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो आपदा की जद में हैं और उनका विस्थापन कराया जाना है, उसके लिए भी प्रक्रिया तेजी से की जा रही है। मैं लोगों से यही आग्रह करूंगा कि जब चारधाम यात्रा पे या फरुदी क्षेत्र में यात्रा कर रहे हैं, अगर बरसात हो रही है तो उसमें यात्रा करना बहुत अच्छा नहीं रहेगा, वो खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए उसमें यात्रा न करें। जब बरसात न हो रही हो, यात्रा करना पूरी तरह से सुरक्षित है।